हेलो गाइस, हाईटेक पिंटू में फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोग का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर है तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको एडसेंस अकाउंट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को बने रहिए एंड तक। अगर चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। चलिए गाइस, मेरा टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जब हमारे एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट हो जाता है तो मुझे गूगल एडसेंस से एक मेल आता है और मुझे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए बोला जाता है। तो इसके अलावा देखें तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में चार डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। पहला देखें तो इंडियन पासपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आपको पैन कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस। ये चार डॉक्यूमेंट में आपके पास कोई भी आईडी है तो आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल करवा सकते हैं। तो गाइस, आधार कार्ड आपको बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना है क्योंकि आधार कार्ड से पहले वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाती थी, बट अभी के टाइम में नहीं हो रहा है। तो गाइस, मैंने तो पैन कार्ड अपलोड किया हुआ था और मैंने इसको कैम स्कैनर से स्कैन करके अपने पैन कार्ड को, उसमें कोई भी ब्लर नहीं बल्कि एक एक आपका फॉन्ट अच्छा से दिख रहा था, लेकिन तब पर भी मुझे इसे रिजेक्ट क्यों कर दिया गया। गाइस, मैंने ये पैन कार्ड यूज़ किया हुआ था आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। ये ई पैन कार्ड है जो मैंने ऑनलाइन बनाया हुआ था। तो गाइस, यहाँ पे मुझे 2 मिनट के 3 मिनट के अंदर आपको मिल जाता है ई पैन कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप आसानी तरीके से इसे वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, मैंने इसको फिजिकली अपने घर पर भी मंगवा लिया था और इसका कार्ड भी मेरे पास है। तो गाइस, मैंने जब इसको स्कैन करके अच्छी तरीके से अपलोड किया हूँ, इसके बाद भी मुझे ये रिजेक्ट कर दिया गया। मुझे फिर से मेल आता है कि आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फिर से करना होगा और रीज़न भी यहाँ पे बताया जा चुका है जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। तो गाइस, ये मेरा जो था ई पैन कार्ड था, ठीक है, इसे मैंने वेबसाइट से मंगवाया हुआ था। तो गाइस, ये रिजेक्ट कर दिया गया और रिजेक्ट का वजह यही था कि सिग्नेचर इस पर नहीं किया गया था। तो आपको ये मांगता है कि आपको जो पैन कार्ड है उस पर एक वैलिड सिग्नेचर होना चाहिए। अगर वैलिड सिग्नेचर नहीं होगा तो आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो गाइस, इसके लिए आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर भी कर देना और सिग्नेचर करने के बाद आपको जो है अपने सिग्नेचर का वेरीफाइड करना होगा। तो गाइस, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी देख के अपने सिग्नेचर को आप वेरीफाइड करवा लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने के बाद आपको क्या करना है, आइडेंटिटी वेरीफिकेशन के लिए देना है। तो गाइस, अगर इससे पहले आप दे देते तो 100% आपका ये जो आइडेंटिटी वेरीफिकेशन है गूगल एडसेंस इसे रिजेक्ट कर देगी। तो गाइस, इस वीडियो के थ्रू मैं यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था कि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइए। अगर चैनल से भी पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियोस हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ।